फोन पर लड़की ने कहा, पर आपने अभय को कहाँ देखा? मैंने उसे सड़क पर भागते हुए देखा। अभय जैसे ही लोकेशन पर पहुंचा तो सामने खड़े आदमी को देखकर चिढ़ते हुए बोला, अरे यार, इतने नाइट फाइटर्स में से मेहका को यही मिला था। अभय की आंखों के सामने टाइगर खड़ा था। टाइगर ने जैसे ही अभय को वहां देखा, वो जल्दी से अभय के पास जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम टू मुंबई। फैक्ट्री के अंदर बर्ड गैंग के कम 50 लोग हैं, सबके पास वेपन्स हैं। वो दोनों धीरे धीरे एक साथ फैक्ट्री के अंदर जाने लगे। वहाँ फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर रिया, प्रेरणा और रेणुका को अलग अलग कुर्सियों पर बांध कर रखा गया था। अचानक से उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। अंदर सभी अलर्ट हो गए। अभय ने टाइगर को चिल्लाते हुए कहा, टाइगर मैं ऊपर जाकर इन तीनों को बचाता हूँ, तुम यहाँ नीचे सबको संभालो। लेकिन ऊपर पहुँचते ही उसने जो देखा वो अचानक से रुक गया। रिया के गर्दन पर चाकू रखे एक आदमी अभय को घूर रहा था। रिया अभय को देखकर रोने लगी। वो आदमी गुस्से में बोला, आ जाओ अभय, तुम्हारा ही इंतजार था। अभय ने फिर अपने गन से सब पर हमला करना शुरू कर दिया। वो बिना झिझक के सबको मार रहा था। कुछ ही देर में जमीन पर लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी। रिया, रेणुका और प्रेरणा ने जो भी देखा था वो उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय इतना खतरनाक होगा। उसी वक्त टाइगर भी ऊपर आ गया। इन तीनों को अपने साथ कहीं सेफ लोकेशन पर लेकर जाओ, कुछ ही दिनों तक इन्हें वहीं रखो, पड़ोसी फिर से अटैक कर सकती है। अभय जैसे ही फैक्ट्री के बाहर निकला, उसे पल्लवी का कॉल आ गया। अभय, क्या हम अभी मिल सकते हैं? पल्लवी की बात सुनकर अभय खुद का हुलिया देखकर बोला, ठीक है, एक घंटे बाद मिलते हैं। ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में बूढ़े बाबा अपने घर में एक लड़की के साथ बैठे थे। लड़की के बाल काफी छोटे कटे हुए थे और चेहरे पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था। जब से तुमने नाइट फाइटर एजेंसी छोड़ी है, हर पल बस अभय के मिलने का इंतजार किया है। अब आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभय पल्लवी से मिलने पहुंच चुका था। दोनों एक कैफे में बैठे हुए थे, तभी किसी की जोर से बोलने की आवाज आई, बंद करो ये कैफे वरना मुझे पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। ये शहर का जाना माना एडवोकेट युवराज था। युवराज की बात सुनकर कैफे का बूढ़ा मालिक युवराज से किड़किड़ाते हुए बोला, युवराज सर प्लीज मुझे कुछ और दिनों का वक्त दे दो, मैं अविनाश मखीजा सर के सारे पैसे जल्दी से लौटा दूंगा। पल्लवी ये सुनते ही घबरा गई, क्योंकि वो अविनाश से छुपकर यहाँ अभय के साथ आई थी। लेकिन अविनाश बाहर था, इसीलिए उसके पास गई और बोली, तुम ये सब क्या कर रहे हो अविनाश, एक बूढ़े आदमी को ऐसे तंग नहीं कर सकते तुम। तभी अंदर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। पल्लवी ने जब कैफे के अंदर देखा तो उस कैफे का ऑनर जमीन पर गिरा हुआ था। युवराज ने उसे धक्का दिया था। यह देखकर अभय अपनी कुर्सी से उठा और उसने युवराज को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तू एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठाकर खुद को हीरो समझ रहा है? हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। अविनाश अभय को देखकर चौंक गया था। वो पल्लवी से गुस्से में बोला, तुम यहाँ इसके साथ आई थी? पल्लवी ने हिम्मत करके कहा, हाँ आई हूँ, तो क्या कर लोगे तुम? अविनाश गुस्से में पल्लवी पर हाथ उठाने लगा तो अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोचना भी मत अविनाश। उसने फिर पल्लवी को देखा और बोला, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती पल्लवी, कभी भी किसी और को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मत रखना। पल्लवी में भी जोश आ चुका था। मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो अविनाश, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। पल्लवी ने खुशी से अभय को गले लगा लिया और बोली, मुझे अपने आप पर यकीन दिलाने के लिए थैंक यू सो मच अभय। पल्लवी पीछे हटी और वहां से चली गई। ओह, तो इसीलिए आए हो तुम मुंबई चीटर। आवाज सुनकर अभय पीछे मुड़ा तो देखा वहां सानिया खड़ी थी और वहां से जाते हुए बोली, मैं पापा को सब बता दूंगी, अब तुम उनसे ही बात करना अभय। सानिया के जाते ही अभय गुस्से में पड़पड़ाया, अजीब मुसीबत है, भगवान इन लड़कियों के चक्कर में कहां फंस गया मैं। अभय वहां से सीधा धीरज राजपूत से मिलने के लिए चला गया था तो उसने देखा कि अंकित वहां से अपना सामान लेकर निकल रहा था। उसके चेहरे से गुस्सा साफ साफ छलक रहा था। अभय को घूरते हुए वो बोला, आज तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की वजह से मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है, मैं तुम्हें और तुम्हारे उन दोनों दोस्तों को छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले अभय अंकित से कोई भी सवाल करता, उसको उसी वक्त मेहका का कॉल आ गया। मेहका बोली, मैं खुशी और कप्तान साहब मुंबई आ गए हैं, तुम्हारी एक्स वाइफ और उसकी फैमिली हमारे साथ सेफ है। वहीं मुंबई से दूर एक जंगल के अंदर छोटे से घर में मेहका, खुशी, टाइगर और कप्तान साहब बैठे हुए थे। दूसरे कमरे में रेणुका, रिया और प्रेरणा भी थे।
अचानक से खुशी को घर के बाहर एक आवाज सुनाई दी। खुशी ने घर के बाहर देखा तो घबराते हुए कप्तान साहिब से बोली, कप्तान साहिब, घर के बाहर 5 शेर हैं और साथ में एक आदमी भी खड़ा है। खुशी ने इतना कहा ही था कि तभी बाहर शेर दहाड़ने लगे। कौन है घर के बाहर? कौन है वो आदमी जिसने अभय की पूरी टीम के बारे में किसी को कॉल करके बताया? क्या है वेरोनिका और अभय का रिश्ता? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।